हेलो फ्रेंड्स, एक बड़ी खबर आ रही है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन को लेकर के। यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन की परीक्षाओं के लिए नया शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। परीक्षाएं किस डेट से होने वाली है वो तैयारी हो चुकी है। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी हो चुकी है और मैं बात कर रहा हूँ DAVV एग्जाम 2021 की। DAVV ने परीक्षाओं के लिए बनाया है शेड्यूल, जानिए कब से होने वाली है शुरुआत एग्जामिनेशन की। संक्रमण की वजह से परीक्षाएँ बेपटरी हो चुकी हैं। LLB, LLM, BLLB, BCom, LLB, BBA, LLB पहले सेमेस्टर की परीक्षा भी अभी तक नहीं हुई है, जबकि विद्यार्थियों को कोर्स में दाखिला लिए 8 महीने बीत चुके हैं। शुक्रवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने परीक्षा को लेकर के नया शेड्यूल बनाया है। अधिकारियों के मुताबिक जुलाई बाद इन परीक्षाओं को करवाया जाएगा। ये सारी परीक्षाएं ऑनलाइन पद्धति से होंगी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से अप्रैल में प्रस्तावित UG फाइनल ईयर की PG फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं अब जून में रखी गई हैं। विश्वविद्यालय ने BA, BCom, BSc सहित अन्य UG फाइनल ईयर की परीक्षा जून के तीसरे सप्ताह में आयोजित करने का फैसला लिया है, जबकि BBA, BCA के अंतिम जो सेमेस्टर हैं और MA, MCom और MSc चौथे सेमेस्टर की परीक्षा के लिए जून के पहले सप्ताह से आवेदन बुलाए जाएंगे। वैसे ये सारी परीक्षाएं भी 25 जून के बाद हो सकती हैं। परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति से रखी जाएंगी। शुक्रवार को जारी आदेश में UG फर्स्ट और सेकेंड ईयर की परीक्षा जुलाई में करवाई जाएगी। साथ ही विभिन्न ला कोर्स की परीक्षाएं भी हो सकती हैं, मगर ला की परीक्षाएं ऑनलाइन पद्धति से आयोजित होंगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आशीष तिवारी ने बताया है कि सेमेस्टर परीक्षाओं के आवेदन जून के पहले सप्ताह से विद्यार्थी भर सकेंगे। यूजी फाइनल ईयर और पीजी चौथे सेमेस्टर के रिजल्ट जुलाई और शेष परीक्षाओं के परिणाम अगस्त में जारी किए जाएंगे। अब कितने विद्यार्थी इस एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, तो 60,000 विद्यार्थी होंगे शामिल। यूजी फाइनल ईयर और पीजी फाइनल ईयर की परीक्षा में लगभग 60,000 विद्यार्थी शामिल होंगे, जिसमें बीए, बीकॉम, बीएससी फाइनल ईयर में 45,000 और एमए, एमकॉम, एमएससी में 15,000 विद्यार्थी हैं। परीक्षा की कापियां जमा करने के लिए कॉलेजों को केंद्र बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तय किया है कि लीड कॉलेजों से कापियों का मूल्यांकन करवाया जाएगा ताकि रिजल्ट समय पर जारी हो सके। तो ये अगर आपको देखना है तो आप ऑफिशियल देख सकते हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का ये सूचना आपके सामने दिख रहा है, जो कि 28 तारीख को यह बताया गया। 28 तारीख को यह रिपोर्ट आया हुआ है सामने, 28 मार्च 2021 को यह ऑफिशियल रिपोर्ट है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यह न्यूज जो है इस तरह से केवल न्यूज ही नहीं है, बल्कि यह ऑफिशियल द्वारा बताया गया चीजें हैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जाकर के देख सकते हैं कि इसके बारे में यह सारी चीजें बातें की जा रही हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पर आए प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल इफ यू आर इन बीए। अगर आप बीए में हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। आपको बीए से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज जो भी आपको चाहिए बीए से रिलेटेड सारा कुछ मिल रहा है इस पर। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।